या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः। फ्रेंड्स, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए बनाते हैं व्रत की थाली। सबसे पहले हम बनाएंगे साबूदाने की खीर। बहुत झटपट बनती है और बहुत ही हेल्दी भी है। तो इसके लिए हमने 1 कप साबूदाना लिया है और उसको एक बड़े बोल में डालेंगे और 2 ग्लास इसमें पानी डाल के इसको 4 घंटे के लिए भिगो देंगे। तो ये 4 घंटे के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। इस साबूदाने से हम 2 रेसिपी बनाएंगे, खीर बनाएंगे और साबूदाने की खिचड़ी भी बनाएंगे। ये देखिए 4 घंटे के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हमने 250 ml दूध लिया है, उसको गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें डालेंगे 1 कप भीगे हुए साबूदाना और इलायची दाना डाला है हमने और इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। 1 बॉयल आने के बाद इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें डाली है चिरौंजी, कटे हुए बादाम, पिस्ता और किशमिश और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे देसी घी। सबको अच्छे से मिला लेंगे और 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 5 मिनट के बाद ये देखिए खीर गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी 1 कप। अब चीनी की जगह इसमें बूरा भी डाल सकते हैं। अब खीर रेडी हो चुकी है। आप इन्जॉय करिए इस यमी सी और हेल्दी सी रेसिपी को। और हम बनाते हैं एक और ऐसी डिलीशियस रेसिपी और बहुत ही हेल्दी है। हम बनाएंगे आज ग्रेप्स रायता, यानी कि अंगूर का रायता हम बना रहे हैं। इसके लिए हम लेंगे हरे अंगूर और इसको इस तरह से देखिए छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही झटपट और यमी सी रेसिपी और बहुत ही हेल्दी है। तो आप व्रत में इसको खा के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अब हमने लिया इसके लिए दही। दही को थोड़ा सा व्हिस्क कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक। सेंधा नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा और हेल्थ के अकॉर्डिंग डालिएगा, ना कि टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें डाली 1 कटी हुई हरी मिर्च और फिर इसमें मिला देंगे हम कटे हुए अंगूर। सबको मिला लेंगे और हमारा यम्मी सा और हेल्दी रायता बिल्कुल तैयार है। चलिए ऐसी ही एक और हेल्दी और यम्मी सी रेसिपी बनाते हैं। और हम बनाएंगे लौकी की सब्ज़ी। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही डिलीशियस और झटपट बनाते हैं। इसके लिए हमने एक लौकी ली है, उसके ऊपर का छिलका हटा देंगे और इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अगर आप कट करेंगे तो ये बहुत जल्दी कट हो जाएगा। अगर एक एक पीस काट के करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए देखिए इस तरह से हमने सारे पीस कट कर लिए हैं। अब फ्लेम को ऑन करेंगे, उस पर रखेंगे कुकर और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और फिर इसमें लौकी डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च, नमक हेल्थ के अकॉर्डिंग ना कि टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें डालेंगे धनिया पत्ती कटी हुई। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसके लिड को बंद करेंगे और इसमें 2 विसिल देके 3 से 4 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रखेंगे। चलिए हमारी हेल्दी और यमी सी लौकी की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है और आप एंजॉय करिए इस नवरात्रि इस यमी और हेल्दी रेसिपी को। तो हम बनाते हैं एक और ऐसी ही डिलीशियस रेसिपी। बहुत ही झटपट बनती है और सबको पसंद आते हैं। और हम बना रहे हैं धनिया वाले आलू। और धनिया वाले आलू तो सबको बहुत पसंद है, बच्चे हों या बड़े, सबको ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए हम बॉयल किए हुए आलू लेंगे और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इसमें से हमें थोड़े से आलू अलग निकाल लेने हैं, वो हम खिचड़ी में इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए एक पैन गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, फिर उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। अब इसमें हमने डाले हैं आलू और हरी मिर्च, नमक हेल्थ के अकॉर्डिंग ना कि टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम डालेंगे खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। तो हमारे धनिया वाले आलू बिल्कुल तैयार हैं। तो आप एंजॉय करिए इस रेसिपी को इस नवरात्रि। और हम बना रहे हैं साबूदाना खिचड़ी, बिल्कुल हेल्दी और यमी सी रेसिपी और बहुत ही झटपट बनती है ये। तो आप देख रहे होंगे ये देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रही है। तो चलिए बनाते हैं। फिर एक पैन को गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और जीरा डालेंगे 1 छोटा चम्मच।
अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली दाना, आलू, और इसमें डाला हमने साबूदाना भीगा हुआ, और इसमें डाला है धनिया, नमक, हरी मिर्च और थोड़े से अनार के दाने और बादाम कटा हुआ। बादाम और अनार के दाने बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे तो हमारी साबूदाना की खिचड़ी बिल्कुल रेडी है। तो आप एंजॉय करें इस यमी सी रेसिपी को, और हम आपके लिए लेके आए हैं कुट्टू के आटे की पूड़ी। बहुत ही क्रिस्पी और यमी सी है और बहुत ही ईजी है बनाने में। तो इसके लिए हम लेंगे कुट्टू का आटा 1 कप, और इसमें डालेंगे सेंधा नमक थोड़ा सा और 1 चम्मच देसी घी। अब इसमें हमने 1 मैश किया हुआ बॉइल्ड आलू मिलाना है और अच्छे से मिक्स करना है। अभी इसमें पानी नहीं मिलाएंगे, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें देसी घी मिलाने से पूड़ी फटती नहीं है और बहुत ही फूली फूली बनती हैं। तो हमें इस तरह से देखिए अच्छे से मिक्स करके सॉफ्ट डो तैयार करना है और 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे। तो चलिए तब तक ऑयल को गर्म करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे हम तेल। तो तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हमने हाथों को घी या ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अब थोड़ा सा हमें डो लेना है और इस तरह से देखिए बॉल बना के पूड़ी का शेप देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पूड़ी तैयार कर ली है। अब इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा जिससे और लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फूली फूली सी और क्रिस्पी क्रिस्पी सी हमारी पूड़ी तैयार हुई है। इसी तरह से सारी पूड़ियाँ हम तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस नवरात्रि इन यमी यमी सी रेसिपीज़ को बना के देखिए, बिल्कुल सात्विक भोजन है और आपको ये बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर टैप कर दीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकते हैं। और आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में ऐसी ही यमी यमी और हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।